नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और साथियों, आज मैं आपके लिए एक देशभक्ति गीत लेकर के आया हूँ। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। स्केल मैंने इसका तीसरी काली रखा है, ये पहली, दूसरी और ये तीसरी। इसके हिसाब से अगर मैं स्वरों को बताऊँ साथियों, तो सा रे गा मा पा धा धा पा मा गा रे सा। मंत्र सप्तक में नी धा पा पा धा नी सा, ये सुर तो हमारे सारे के सारे शुद्ध हो गए। अब इसमें एक जगह अंतरे में रे का थोड़ा सा टच है, और इसमें अंतरे में ही तीव्र मा का यूज होगा। ठीक है साथियों, तो जैसे जैसे आप हम आगे बढ़ेंगे गाने में, वैसे वैसे हम इसको सीखने को मिलेगा इसमें। तो इसका शुरू का म्यूजिक क्या है, देखिए किस तरह से है। तो वो होता है हमारे गा से शुरू, किस तरह से, इसके बाद गाना शुरू होता है। तो इस म्यूजिक को पहले सीखते हैं। देखिए, गा मा धा पा, पहली बार गा मा धा पा, उसके बाद गा मा धा पा मा गा रे गा मा, उसके बाद सा रे गा रे सा धा रे सा। यह है, एक फिंगर से देखिए, दोबारा, ठीक है, उसके बाद बस यह है, उसके बाद गाना शुरू होता है। तो अब यह गाना हमारी जो शुरू की चार लाइनें हैं, तीन लाइनें बिल्कुल सेम बजेंगी, चौथी लाइन में थोड़ा सा बदलाव होगा, तो ये हमारा गाना पास है, उठता है मंदिर सप्तक के पास है। ठीक है, किस तरह से है देखिए। संदेश से आते हैं, ये पहली बार है, तीन बार हम पापा करेंगे, उसके बाद गा, उसके बाद रे। देखिए, तो गा पे रुक जाएंगे। देखिए, पा 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 गा रे गा पा 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 गा रे गा। तो अब गाना किस तरह से हम लेके चलेंगे। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है। तो ये चारों लाइनें बिल्कुल इन तीन सुरों पे चलेंगी। आप तीन बार पापा कीजिए, उसके बाद गा, उसके बाद रे और फिर गा। ठीक है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चौथी। तो मैंने आपको बताया ये चारों लाइनें बिल्कुल सेम चलेंगी तीन सुरों पे। तीन बार आप पापा कीजिए, उसके बाद सीधा यहाँ पे गा पे आइए, उसके बाद रे पे और फिर गा पे, और फिर सा से, यहाँ से पा से शुरू हो जाइए। उसके बाद है के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। अब ये जो तीनों लाइनें हैं, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, तो ये तो दोनों लाइनें बिल्कुल सेम बजेंगी। के घर कब आओगे, पहली बार, दूसरी सेम बजेगी, के घर कब आओगे, तीसरी लाइन जो है लिखो कब आओगे, लिखो कब आओगे, तो आओगे। तो इसमें केवल रे और सा बढ़ गया है, बाकी तीनों लाइनें बिल्कुल सेम है। देखिए, सनी सनी पाधा नी पाधा, पहली लाइन, दूसरी सनी पाधा नी पाधा, अब तीसरी सनी पाधा नी रे सनी धा। यह ठीक है,
के घर कब आओगे। अब लिखो कब आओगे ओगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। आप ये है कि तुम बिन ये घर सूना सूना, तो फिर ये यहां से शुरू हो जाएगा रेस है कि तुम बिन ये घर सूना सूना है कि तुम बिन ये घर। तो पहले हम तीन बार करेंगे रे रे के तुम बिन, एक बार और करेंगे ये घर, यानी के तुम बिन ये घर सोना, रे 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 गा रे गा रे। ठीक है, के तुम बिन ये घर सोना सोना है। यहां थोड़ा सा समझना है, सोना है बारीकी से देखिए, सोना है। सुर द्वारा समझिए, पा देखिए तीव्र मा का यू जहां हो गया पा मा पा धाम पा मा गा, बस ये है। ठीक है, पा मा पा धा पा मा गा। पहले यहां हम तीव्र मा पे आ रहे हैं, उसके बाद हम शुद्ध मा पे आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें तीव्र मा लगेगा, यह है पा। पहले पा लेंगे, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर पा, फिर मा, फिर पा, फिर मा, फिर गा, यह है। फिर बस इसका ये स्थाई पार्ट इसका ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अंतरे पे आते हैं। एक अब इसके अंतर की बात करते हैं, तो इसका अंतरा भी बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अंतरे में इसके। ठीक है, किस तरह से देखिए, तो ये भी पा से शुरू होता है, किसी दिल वाली ने। तो ये चारों लाइनें बिल्कुल सेम बजेंगी, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है। ठीक है, तीन लाइनें बिल्कुल सेम बजेंगी इसकी, किसी दिल वाली ने। तो पापा तीन बार है, पापा पा धा सा रे गा गा रे, यह है पापा पा धा सा रे गा गा रे। गागा दो बार है, किसी दिल बाली ने किसी मत बाली ने हमें खत लिखा है। अब उसके बाद के हमसे पूछा है, के हमसे पूछा है, के हमसे पूछा है। देखिए सूत्र रे का यूज यहाँ है। ठीक है, रे गा 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 रे गा रे गा रे सा के हमसे पूछा है। ठीक है, उसके बाद है, किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने। तो ये चारों लाइनें जो हैं, तीन लाइनें शुरू की बिल्कुल सेम है। किस तरह से देखिए, तो ये तीव्र मा से उठती है लाइन है, देखिए, किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने, और चौथी लाइन किसी के कंगन ने। पहली लाइन है किसी की सांसों ने, यह है पहली लाइन, किसी की सांसों ने
मा 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 रे गा मा गा ये। तीन बार मामा है किसी की। अब सा सा सोने मा 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 रे गा मा गा मा 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 रे गा मा गा मा 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 रे गा मा गा। तीन चौथी गा गा पा गा रे सा। किसी के कंगन ने किसी के कंगन ने किसी के कंगन ने गा गा पा गा रे रे सा। बस ये इसका अंतरा है। तो इस तरीके से आप इसको बजाना सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।